हमें एक जॉइंट अकाउंट खुलवाना है। जी सर बिल्कुल खुल जाएगा। आप दोनों मियां बीवी हैं? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आजकल हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवाते नहीं हैं, इस तरह वाइफ को हस्बैंड की सारी अकाउंट डिटेल्स पता चल जाती हैं। यू आर सो लकी मैम। हो गया, अकाउंट खोलें। श्योर सर। आप जॉब कहाँ करते हैं? आपका अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह चाहिए होगा? मेरा अपना बिजनेस है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई लेटर इस वक्त मौजूद नहीं है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है ना, वो दे दो ना, इनके पास है अभी। मैम ये फॉर्म फिल कर दीजिए और जाते हुए कुछ अमाउंट जमा करवाते हुए चले जाएं। सही, इट्स मोर देन एनफ। यहां टिक करो। ये भी क्लिक करो। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो खुश रहो। अरे मायरा तुम कहाँ जा रही हो बेटा? थक गई हूँ दादी, आराम करूंगी थोड़ा। अरे सुनो तो, ये सलमान आया हुआ है, उससे पूछो क्या पसंद करता है खाने में, उसके पसंद का खाना बना कर दो उसे। क्या खाओगे तुम बता दो, मैं बना देती हूँ। वही जो दुनिया की सबसे आसान डिश है। कुछ भी नहीं, तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। अच्छा चलो जाओ जाओ आराम करो। अरे ये तो बताओ बेटा, अरसलान कैसा है? बेहतर है, कुछ दिनों में और ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो जरूरी बात मायरा की जॉब के हवाले से होगी। आप फिक्र ना करें, हम दोनों ने आपस में बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। आज मुलाकात भी होगी मेरी उस आतिर से। अरे क्या हो गया, पैसे क्यों देख रही हैं? मैं मायरा की जॉब के खिलाफ नहीं था और ना ही अब हूं। एक पढ़ी लिखी लड़की को यूं घर बिठाना, उसका करियर छीन लेना कोई अच्छी बात नहीं है। कल से वो ऑफिस जाएगी, मैं उसे कभी कभार पिक कर लिया करूंगा और ड्रॉप भी कर दूंगा, तो दोबारा आतिर जैसा केस नहीं होगा। ओके नानी, खुदा हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज। ओके मामी, खुदा हाफिज। बेटा सलमान ने वहां जाकर क्या कहा है बताओ? बताओ ना बेटा, सलमान तुम्हारे साथ ये सब क्यों कर रहा है? ये जॉइंट अकाउंट वाली बात हम दोनों की बात है, हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए, किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा, कुछ तो बोलो। ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगी। गुड, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम पर, तुम्हारी हर चीज पर पूरा हक है मुझे और तुम्हें भी है। जब मैं कमाऊंगा, लाखों करोड़ों में कमाऊंगा,
तो तुम भी घर बैठ के याशी करना और मैं तुम्हें देख के खुश होऊंगा। मैं कितनी बार कहा है ऐसे मनुष्य शक्ल बना के मेरे सामने मत बैठा करो। लगता है पता नहीं कौन सा जुल्म का पहाड़ तोड़ रहा हूं तुम। मेरे प्यार का रिस्पांस दिया करो, मेरे जोक्स पर हंसा करो। हंसो, मुस्कुराओ। That's my girl. चूस कैसा लगा? अच्छा, और पियोगी? नहीं, घर चलते हैं। जैसे मेरी बेगम साहिबा का हुक्म। चलिए। एक्सक्यूज मी, क्या बात है बोलो। कुछ नहीं अम्मी, कुछ तो है। क्या क्या कहा है सलमान ने तुम्हें, बताओ क्या किया उसने तुम्हारे साथ? कभी ऐसा हुआ है अम्मी आपके साथ क्या आपको अपनी एक एक सांस का हिसाब किसी को देना पड़ा? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आप पानी में गिर गई हो और आपको सांस नहीं आ रही हो? किसी इमारत के मलबे के नीचे दब गई? मायरा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे बताओ क्या क्या कहा सलमान ने तुम्हें? वो क्या कहेगा मुझसे? वो तो मुझसे मोहब्बत करता है, वो मोहब्बत जिसपे कब्जा किया जाता हो, दूसरे की एक एक सांस को कंट्रोल किया जाता हो, जिससे शायद आपको सांस आना बंद हो जाए, कभी थोड़ी बहुत, कभी मुकम्मल तौर पे, शायद सफोकेशन भी हो, लेकिन फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है। आदत हो जाती है ना मम्मी? तो मातिर के ऑफिस नहीं जाना चाहती ना बेटा? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होगा, सलमान चाहता है। तुम मना कर दो उसे। मेरे मना करने से वो मना हो जाएगा?